नमस्कार दर्शकों, लाइव टाइम टीवी में आपका स्वागत है और सुबह सवेरे हम आपके साथ मौसम की लाइव अपडेट के साथ जुड़े हैं। तो राजधानी शिमला की बात की जाए तो राजधानी शिमला में इस समय घनघोर बादल छाए हुए हैं और बात की जाए बर्फीली हवाओं के साथ यहां पर रिमझिम वर्षा का दौर भी शुरू हो चुका है। आप जिस तरह से अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि चारों ओर काले घने बादल छाए हुए हैं और सुबह सवेरे का जिस तरह से समय है तो लोग अपने गंतव्य की ओर यहाँ पर जा रहे हैं। और बात की जाए तापमान की तो तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है। अगर चारों ओर मैं कैमरा घुमाऊंगा और आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देखेंगे तो चारों ओर घनघोर बादल छाए हुए राजधानी शिमला में। इस मौसम के अपडेट में आप भी अपने क्षेत्र के मौसम का मिजाज हमारे साथ साझा कर सकते हैं, क्योंकि ये मौसम की लाइव अपडेट दिखाने का हमारा जो मकसद है कि कुछ ही पलों में जितने भी हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं सभी को प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में मौसम की लाइव अपडेट की जानकारी मिल सके। तो आप अपने बहुमूल्य कमेंट्स कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं। राजधानी शिमला की बात की जाए तो राजधानी शिमला के मौसम के मिजाज यहाँ की जो लाइव तस्वीरें हैं खुद बयां कर रही है। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे का समय है, वर्षा का रिमझिम दौर शुरू हो चुका है। तो काफी दर्शक हमारे साथ इस समय लाइव स्ट्रीम में जुड़े हैं। मैं सभी से आग्रह करना चाहूंगा कि अपने क्षेत्र के मौसम का मिजाज इस लाइव स्ट्रीम में साझा कर सकते हैं, छाता लिए लोग अपने गंतव्य की ओर जाते हुए। और प्रदेश के मैं ऊंचाई वाले क्षेत्रों की बात करूं तो प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में इस समय लोसर में बर्फबारी शुरू हो चुकी है और अन्य जो भी ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहां पर भी बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है। मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो मौसम विज्ञान केंद्र ने आज के लिए अलर्ट जारी किया था कि प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी पड़ने की संभावना है और मैदानी इलाकों में वर्षा का दौर रहेगा। कुफरी में भी बारिश हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए किरण जी। तो ये बहुमूल्य जानकारी जिस तरह से अभी बताया कि कुफरी में भी बारिश हो रही है और कुफरी शिमला के साथ सटा क्षेत्र बात की जाए, सबसे पहले जो शिमला की बात की जाए तो कुफरी में बर्फबारी का दौर शुरू होता है। तो कुफरी की हमारे को ताज़ा अपडेट यहाँ पर आपके बहुमूल्य कमेंट्स के माध्यम से मिली। जंजैहली में स्नो गिर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे उर्मिला ग्रेग जी, किरण कंवर जी कुफरी में, ठाकुर निखिल जी जंजैहली की आपने जानकारी दी। तो जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं सभी इस लाइव स्ट्रीम में अपने क्षेत्र के मौसम का मिजाज हमारे साथ साझा कर सकते हैं। और जिस तरह से रिमझिम वर्षा का दौर है, हल्की बारिश की बूंदें यहाँ राजधानी शिमला में पड़ रही है और सर्द हवाएं इस समय राजधानी शिमला में चल रही हैं। तापमान की बात की जाए तापमान में भी गिरावट आई है, क्योंकि प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है। और नवंबर माह है, नवंबर माह में यहाँ पर आप देख रहे हैं कि तापमान में काफ़ी गिरावट आई है। अमून जो बात की जाए प्रति वर्ष दिसंबर माह में यहाँ पर बर्फबारी का दौर शुरू होता है, लेकिन इस वर्ष की बात की जाए तो इस वर्ष बर्फबारी का दौर पहले ही शुरू हो चुका है। आप देख रहे हैं चारों ओर घने बादल छाए हुए, स्नोफॉल हो रहा है। तो फिर मैं भी यहाँ का डोनाल्ड ट्रंप बोल।
तिलक राज जी, चंबा में निचले एरिया में बारिश और ऊपर वाले एरिया में स्नोफॉल हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया चंबा की जानकारी आपने हमारे साथ साझा की। तो इसी तरह जो अन्य दर्शक है वो भी हमारे साथ, जो आपके बहुमूल्य कमेंट्स है आपके क्षेत्र के बारे में आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में इस समय मौसम खराब है और बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है। आप यहाँ पे देख रहे हैं लोग चादर लिए अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं। राजधानी शिमला के मौसम के मिजाज की लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं और यहाँ के मौसम का मिजाज लाइव तस्वीरों के माध्यम से खुद बंगाल में धूप लगी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। तो आप आयुष शर्मा जी, और जिस तरह से अब हमने कैमरा आसमान की ओर किया है तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस समय राजधानी शिमला में मौसम का मिजाज किस तरह का है। क्या है और हम चाहेंगे कि इस मौसम की लाइव स्ट्रीम को आप शेयर भी करें, क्योंकि जितने भी दर्शक हैं उन्हें मौसम की जो ताज़ा जानकारी है वो उपलब्ध हो सके। और एक बार फिर आपको पुणे में बता दूं कि मौसम विज्ञान केंद्र ने आज के लिए येलो अलर्ट जारी किया था। प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की चेतावनी दी है, वहीं पर मैदानी क्षेत्रों में वर्षा का दौर जारी रहेगा। काफ़ी दर्शक इस समय हमारे साथ इस मौसम की लाइव स्ट्रीम में जुड़े हैं। और एक बार फिर आप जो दर्शक है अपने क्षेत्र के मौसम का मिजाज इस कमेंट बॉक्स में
साझा कर सकते हैं, क्योंकि इस लाइव स्ट्रीम को दिखाने का हमारा जो मुख्य उद्देश्य है, कुछ ही पलों में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के मौसम का मिजाज सभी के साथ साझा हो सके। दर्शकों, हमने इस मौसम की लाइव स्ट्रीम में हमने आपको शिमला सहित प्रदेश के अन्य क्षेत्रों की जानकारी दी कि जो आपके बहुमूल्य कमेंट्स हैं उनके द्वारा हमें जानकारी उपलब्ध हुई कि इस समय प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में बात की जाए, चंबा, कुफरी, जंजैहली, जिस तरह से दर्शकों ने हमें जानकारी दी कि प्रदेश में इस समय मौसम का मिजाज कैसा है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र की बात करें तो मौसम विज्ञान केंद्र ने आज के लिए अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना जताई है। वहीं पर स्पीति के लोसर में बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है और अन्य जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहां पर भी बर्फबारी की सूचना है। तो मौसम की इस लाइव अपडेट में अभी तक इतना ही। फिर मिलेंगे हम नई खबर नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। सोलन में बारिश लगी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस बहुमूल्य जानकारी के लिए। तिलक राज जी,